अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा HP LeisureZ P2015 की हीटर स्लीव कैसे चेंज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चले आए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पावर केबल लगा लेंगे। उसके बाद हम टेस्ट पेज ले लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है, पेपर जाम कर दिया इसने। ये देखिए कुछ डबलिंग दे रहा है, ठीक है, प्रिंट को डबलिंग कर रहा है। तो इसकी हम जो है ना आज सर्विस करेंगे और इसकी हीटर स्लीव चेंज करेंगे। पावर केबल उतार लेते हैं। प्रिंटर की बैक साइड से जो है ना हम साइड कवर जो है वो खोल लेते हैं। अब दूसरी साइड जो कवर है उसको भी उतार लेते हैं नीचे कुछ इस तरह से। उसके बाद बैक साइड जो बैक पट्टी है उसके ऊपर चार पेज लगे हैं वो हम खोल लेंगे। फ्रंट ट्रे को बाहर निकालेंगे हम। नीचे डुप्लेक्सर लगा हुआ है तो डुप्लेक्सर को हम नीचे वाली साइड कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, इसके बाद बैक पट्टी को बाहर निकाल लेंगे। फार्मेटर कार के जो पेज हैं इसको ओपन कर लेंगे हम। पता केवल ध्यान से उतार लेंगे, जो जैक का वो भी उतार लेंगे ध्यान से। फार्मेटर को साइड पे रख लेंगे उतार के। हीटर जो पेज है हीटर के वो खोल लेंगे। फ्रंट कवर को ओपन कर लेंगे। फ्रंट डोर के जो पेज वो नहीं लगे हैं वो हम लगा लेंगे इसको। तो इसको उतार के अच्छे तरीके से दोबारा से फिक्स कर देते हैं हम कुछ इस तरह से। तो गाइज़, वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप जो भाई दूर से आते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशल, तो ताकि वो घर बैठे ही इजीली आराम से कर सकें। तो जो अल्लाह पाक ने रोज़ी रोटी देनी है वो तो दे ही देनी है, तो वो तो हर इंसान को देता है, वो खाली हाथ नहीं बेचता। तो मेन मकसद बताने का ये है कि हमारे जो भाई परेशान होते हैं, ठीक है, तो उनको हम जो है ना उनके लिए वीडियो बना के अपलोड करें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। तो दूसरी साइड से हम जो है ना फैन के जो पेज हैं वो दो ओपन कर लेते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे लगा होता है, एक नीचे वाली साइड पे। फैन को हम बाहर निकाल लेते हैं।
कुछ इस तरह से। अब जो गियर बॉक्स है उसके पेज खोल लेते हैं। इसके 3 पेज होते हैं, ठीक है, तीनों हम ओपन कर लेंगे। गियर बॉक्स को बाहर निकाल लेंगे। अभी यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है ना आपको नज़र आ जाए। छोटा जो गियर है उसको भी उतार लेंगे। उसके बाद ये पेज है इसको ओपन कर लेंगे। इसके भी यहाँ पे 3 पेज होते हैं। ये बड़ी गिरारी है, इसको भी उतार लेंगे फ्रंट डोर को ओपन करने के बाद। ये जाम हुआ है तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा जोर ले रहा है, नहीं तो इजीली बाहर आ जाता है। गियर को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक ये पेज है इसको भी ओपन कर लेंगे। मैंने जब प्रिंटर को खोला था तो इसके जो पेज वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा मिस थे, तो इसलिए जो है ना ये पेज खुल गए हैं। उसके बाद ये हम बैक साइड से जैक जो है ये उतार लेंगे। बैक पट्टी पे पेच लगा होता है इसको भी उतार लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मूव करके जो बैक पट्टी है इसको उतार लेंगे। तो टेस्टर की मदद से जो हीटर का जैक है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। उसके ये अर्थ का जैक होता है इसको भी उतार लेते हैं। इसके बाद हम जो हीटर है इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें इजीली बाहर आ गया। ये देखें स्लीव ख़राब है, ठीक है, ये देखें, ये इसलिए जो है ना प्रिंट में डबलिंग दे रहा है, तो इसकी जो स्लीव है हम आज इसको चेंज करते हैं, रिमूव करते हैं। प्रिंटर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी तो इसी बहाने चले प्रिंटर भी साफ़ हो जाएगा, सर्विस हो जाएगी प्रिंटर की भी। प्रिंटर को अच्छे तरीके से हम साफ कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मेन हीटर की तरफ। तो हीटर के ऊपर ये पेच लगा हुआ है इसको ओपन कर लेंगे हम। इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो लॉक है इनको जो है हमने बाहर निकाल लेना है, इनको घुमा के हमने बाहर निकालना है। उनको साइडों पर रख देते हैं। उसके बाद साइडों से जो पत्री है इनको भी निकाल लेते हैं।
साइड से लॉक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हीटर स्लीव है। कपड़े की मदद से जो हीटर है इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं हम। साफ़ करने के बाद ये स्लीवें हैं जो हमने लगानी है। ये देखिए स्लीव बिल्कुल नीट होनी चाहिए, ये बिल्कुल न्यू स्लीव है जो हमने इसके अंदर डालनी है। स्लीव डालने से पहले हम सिलिकॉन ऑयल लगाएंगे ताकि पेपर जो है ना वो जाम ना हो फिर से दोबारा से, क्योंकि अगर हम ऐसे स्लीव लगाएंगे तो हीटर को जो है ना मसला नुकसान पहुंच सकता है। यह सिलिकॉन ऑयल ये 350 तकरीबन 400 के राउंड बाउंड आपको मिल जाएगी शीशी, इसको सिलिकॉन ऑयल कहते हैं। तो किसी भी आपने शॉप से लेनी हो तो उनको कहें आपको सिलिकॉन ऑयल दे दें। तो हमने जो है ना एक फिंगर ही उसको डिप करके तो इसको लगा देंगे हम अच्छे तरीके से। ना हमने कम लगानी है ना ज़्यादा लगानी है, हमने दरमियानी से लगानी है ताकि पेपर जाम ना हो और स्लीव जो है ना स्मूथली घूम सके हम। दो मरतबा हमने जो है ना अपनी फिंगरों को डिप करना है, उसके बाद जो है ना हमने हीटर पे लगा देनी है। हीटर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे हम। स्लीव का हम लगा देंगे। ये जो ब्लैक साइड है बेशक इसको अंदर की तरफ कर लें या बाहर की तरफ कर लें कोई मसला नहीं इसका, तो आप चाहें इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो साइड वाली फिटिंग है इसको लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत इजीली स्मूथली बैठ जाएगा। हीटर को हम फिक्स कर देते हैं अब। उसके बाद जो साइड वाली फिटिंग है इनको लगा देंगे वापस।
इसके बाद जो ऊपर वाली फिटिंग है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हम लगा देंगे। जो ब्लैक फिटिंग के लॉक है वो गियर वाली साइड पे आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, एक ये लॉक है और एक ऊपर की तरफ ये लॉक है, ये बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, इसके नीचे एक और पत्री होती है जो इसके साथ नहीं है, तो अगर आप ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, वो ज़्यादातर हीटर को कवर करती है, तो बेसिकल जो पुराने प्रिंटर उसमें नहीं होती है। इसके बाद हम प्रिंटर को ले लेते हैं अपने। प्रिंटर हमारा अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। प्रिंटर को फिर भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं कपड़े की मदद से, ताकि जो हल्की फुल्की डस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम हीटर यूनिट को वापस लगा देंगे। जो साइड वाली पत्ती है उसको बाहर की तरफ हमने जो है ना पुश करेंगे तो हीटर इजीली अंदर चले जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये देखें ये लॉक हैं, ये जो पतरी के लॉक हैं ये बिल्कुल हीटर के बराबर एन बैठने चाहिए, ताकि ये जो अंदर लाइनें दिख रही हैं ब्लैक से ये आपस में अटैच होनी चाहिए। अब इसके बाद हम तीनों पेज वापस लगाते हैं। इसके जो पेज मिस थे अब हम कंप्लीटली इसको सारे पेज लगाएंगे। आप भी याद रखें जब भी आप कोई भी प्रिंटर को ओपन करें या और कोई भी प्रिंटर को खोलें, ठीक है, तो उसके सारे पेज जितने भी हो वो सारे कंप्लीट करें, ताकि कोई भी पेज जो है ना वो कम ना रह पाए। क्योंकि तो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है ना नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम जो गियर है इसको लगा देंगे। गियर को मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि गियर की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उसकी वजह से जो है ना मैंने गियर ही चेंज कर दिया। तो उसके बाद हम गियर बॉक्स लगा देंगे अपनी जगह पे वापस। तो गियर बॉक्स के जो तीनों पेज हैं इनको हम लगा देंगे। तो गाइज माजरत, क्योंकि मेरी उर्दू और पंजाबी मिक्स ही होती होगी बीच में, क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं, मैं पहली दफ़ा जो है ना सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो इंशाल्लाह कोई नहीं। कहते हैं इंसान आस-आस से करता है जो भी करता है, और आस-आस से इंसान अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है। मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं भी अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचूंगा, और भी आप लोगों की दुआओं के साथ और आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो दिन आएगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे काफ़ी ज़्यादा।
उसके बाद हम जो हीटर का जैक है इसको लगा देंगे वापस। ये जो पतरी है इसको वापस लगा देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। कोई भी टेक्निकल चीज़ है उसको हमने सिर्फ अपने दिमाग के ज़रिए सोचना है और करना है बस। ये सब जो है ना सोच पे डिपेंड करता है हमारी, ठीक है। तो जब बंदा कहता ना कि यार ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, फिर नहीं वो कर पाता। लेकिन मैं कहता हूँ कि हिम्मत करे इंसान, कोशिश करे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। एक दो दफ़ा कोशिश करने के बाद इंशाल्लाह जो है ना इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो इंसान को फिर आस्ते आस्ते पता चलता है, एक दम तो इंसान को आता नहीं है। उसके बाद हम जो जितने भी जैक हैं ये वापस लगा देंगे। जो राइट साइड वाले जो जैक हैं दो, वो हमने पिछली साइड पे जो दो हैं वहाँ पे लगा देंगे जैक, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाले हैं, ठीक है, इनको हम जो है ना फ्रंट साइड पे जो है ना जैक लगा देंगे वापस। ये जैक जो है ना बहुत ही आसान है लगाने, ठीक है। ये छोटी जो बड़ी तार का है वो फ़र्क होता है, तो जैसे ही आप लगाएंगे ये आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो इसमें यानी कि कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, वो इजीली आप जैक लगा सकते हैं वापस। जूमिंग करने का मेन मकसद यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और अच्छे तरीके से आपको गर्नेस हो जाए। इसके बाद हम जो है ना साइड मूव कर लेते हैं प्रिंटर की। उसके बाद जो हीटर के तीनों पेज हैं ये लगा देंगे वापस। पेज लगाने के बाद आप आ जाती है बारी हमारे फॉर्मेटर कार्ड के प्रिंटर की। तो फॉर्मेटर कार्ड जो प्रिंटर का वो लगा लेंगे वापस अपनी जगह पे। तो फॉर्मेटर कार्ड को हमने बड़े ही ध्यान से लगा लेना है। ये जो नीचे वाली पत्ता केबल है ये बहुत ही नाजुक होते हैं, इसका कोई भी एक भी पॉइंट जो है ना वो डैमेज ना हो, तो इसलिए जो है ना इसको बड़े ध्यान से लगाएंगे। जो छोटा है पता केबल इसको भी लगा देंगे। उसके बाद ये जो जैक वगैरह है उसको हम कंप्लीटली लगा देंगे अपनी जगह पे वापस। वापस लगाने के बाद अब हम जो चारों पेज हैं इनको वापस लगा देंगे। इसके बाद हम जो टॉप कवर है इसको वापस लगा देते हैं हम। ये जैक जो है ना यहाँ से हम सराख से बाइक की तरफ निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मेटर कार्ड में लगा देंगे। उसके बाद जो टॉप कवर है उसको अच्छे तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद टॉप कवर के जो पेज हैं ये वापस लगा देंगे हम। दो बैक साइड पे लगने हैं और एक एक इनकी साइडों पे लगना है, दोनों साइडों पे। ये देखिए मैंने जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इसी तरह दूसरी साइड पे हम पेच लगा लेंगे कुछ इस तरह से।
अब हम जो बैक पट्टी है उसको अच्छे तरीके से साफ करने के बाद लगा देंगे वापस डुब्लेक्सर को भी साथ ही, तो डुब्लेक्सर साथ ही होता है बैक पट्टी के साथ। तो कुछ इस तरह से हम लगा देंगे। बैक पट्टी के चारों पेज को हम वापस लगा देंगे अपनी जगह पे। चारों पेज लगाने के बाद हम जो साइड कवर है इनको जो है लगा देंगे वापस कुछ इस तरह से। उसके बाद जो पावर्स वाला साइड कवर है इसको भी लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो रिलैक्सर है इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। इसके बाद ट्रे में पेच रख लेते हैं हम। पेच रखने के बाद पावर केबल लगाते हैं हम वापस। पावर केबल लगा के हम निकालते हैं इसका रिजल्ट। इसके बाद हम टेस्ट पेज ले लेते हैं। तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।